स्टूडेंट्स, आज हम 400 मीटर दौड़ के कवानीन और जवाबते के बारे में पढ़ेंगे कि इसके कवानीन और जवाबत क्या हैं, कौन कौन से हैं जिन पर अमल पैरा होकर 400 मीटर दौड़ को हम सही तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे। सबसे पहले है जी 400 मीटर दौड़ के कवानीन में से कि बैन अल-अक़वामी जवाबते के तहत ये दौड़ 400 मीटर के मयारी ट्रैक पर दौड़ी जाती है, जो कि बैजवी शक्ल का होगा और इसमें 8 गलियां होंगी। इन गलियों की चौड़ाई 1.2 मीटर होगी और तमाम लाइनों की मोटाई जो है वो 5 सेंटीमीटर होगी। यानी क्या होगा जी कि बैन अल-अक़वामी कवानीन के मुताबिक जो है ये 400 मीटर के ट्रैक पर दौड़ी जाएगी, जो स्टैंडर्ड साइज़ का होगा और ये बैजवी शक्ल का होगा। इसमें 8 गलियां होंगी और इन गलियों की चौड़ाई जो है वो हर गली की 1.2 मीटर होगी। नंबर 2 पे है, चूंकि 400 मीटर की दौड़ गलियों में दौड़ी जाती है, मयारी ट्रैक का 1 चक्कर लगाना होगा, इसलिए ट्रैक की स्टार्टिंग लाइन पर जीने लगाए जाते हैं ताकि हर टीम के तमाम एथलीट्स या खिलाड़ी स्टार्ट से इख्तिताम तक मुसावी फासला तय करें। ट्रैक जो है वो क्योंकि बैजवी होता है, लिहाजा लंबाई में फासला बराबर नहीं होता, इसलिए जो है वो स्टार्टिंग लाइन से जीने लगा दिए जाते हैं ताकि तमाम खिलाड़ी जो हैं वो इख्तिताम तक मुसावी फासला तय कर सके। नंबर 3 पे जी ट्रैक की गली 1.2 मीटर और लाइनों की मोटाई 5 सेंटीमीटर हो तो मुकाबले के आगाज़ से कबल हर टीम का पहला खिलाड़ी स्टार्टिंग लाइन से पीछे खड़ा हो। इस तरह दूसरी गली के एथलीट खिलाड़ी पहली गली के एथलीट या खिलाड़ी से 7.04 मीटर आगे खड़ा होगा, तीसरी गली का एथलीट या खिलाड़ी दूसरी गली के खिलाड़ी से 7.67 मीटर आगे होगा। इस तरह बाकी गली के खिलाड़ी अपनी पिछली गलियों के खिलाड़ियों से बलतरतीब 7.67 मीटर आगे खड़े होंगे, क्योंकि इसी तरह जीने दिए जाएंगे ताकि जो है वो फासला जो है वो मुसावी तय कर सके तमाम खिलाड़ी। नंबर 4 पे है जी 400 मीटर ट्रैक में अगर कर्व लगाया जाए और गलियों की चौड़ाई 1.2 मीटर हो तो तमाम एथलीट्स को गलियों में इस तरह खड़ा किया जाए कि दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं और आठवीं गली के दौड़ने वाले एथलीट या खिलाड़ी स्टार्टिंग लाइन से बलतरतीब 7.03 मीटर, 14.70 मीटर, 22.36 मीटर, 30.03 मीटर, 37.69 मीटर, 45.36 मीटर, 53.03 मीटर आगे से दौड़ का आगाज़ करेंगे। क्योंकि ये बैजवी है, कर्ब है, ट्रैक कर्ब वाला है, इसलिए जो है वो गलियों पर जीने दिए जाएंगे और खिलाड़ी जो है बलतरतीब जो है वो फासले पर खड़े होंगे ताकि मुसावी फासला तय कर सकें। नंबर 5 पे है जी दौड़ के आगाज़ से कबल एथलीट्स को गलियां कुरानदाजी से दी जाएंगी और खिलाड़ी अपनी गली में स्टार्टिंग लाइन के पीछे खड़े होंगे। गलियां जो हैं तमाम खिलाड़ियों को कुरानदाजी के ज़रिए फराहम की जाएंगी और हर खिलाड़ी जो है अपनी गली में स्टार्टिंग लाइन के पीछे खड़ा होगा। नंबर 6 पे है जी 400 मीटर दौड़ के मुकाबले अगर हीट्स या राउंड की सूरत में होंगे, वहाँ गलियों की कुरानदाजी मुंदरजल तरीके से होगी। पहले राउंड के इब्तदाई मुकाबले में सिर्फ 1 कुरानदाजी के ज़रिए खिलाड़ियों को गलियां दी जाएंगी। दूसरे या इसके बाद हर राउंड के लिए हर एक दौड़ या हीट में 2 कुरानदाजियां होंगी। यानी पहले राउंड का जो इब्तदाई मुकाबला होगा उसमें सिर्फ 1 कुरानदाजी के ज़रिए खिलाड़ियों को गलियां दी जाएंगी, लेकिन दूसरे या इसके बाद हर राउंड के लिए 2 कुरानदाजियां होंगी। पहली कुरानदाजी गली नंबर 3, 4, 5, 6 के लिए होगी और इन 4 एथलीट्स या खिलाड़ियों के लिए होगी जिनके पहले राउंड के नतायज की पोजीशन इस हीट में शामिल बाकी खिलाड़ियों से बेहतर होगी। यानी 4 खिलाड़ियों के दौड़ने का टाइम सबसे बेहतर होगा। उनको कौन सी गलियां दी जाएंगी? 3, 4, 5 और 6। दूसरी कुरानदाजी गली नंबर 1, 2, 7, 8 के लिए होगी। ये कुरानदाजी इस हीट में शामिल बाकी 4 एथलीट्स या खिलाड़ियों के लिए होंगी जिनके दौड़ने का टाइम पहलों से ज़रा कम होगा। नंबर 7 पे है 8 से ज़्यादा एथलीट्स या खिलाड़ियों की सूरत में मुकाबले या हीट्स या राउंड की सूरत में होंगे, हर एथलीट या खिलाड़ी अपनी मुख्तस शदा गली में 400 मीटर की दौड़ मुकम्मल करेगा।
नंबर 9 पे है जी, हर एथलीट या खिलाड़ी को सिर्फ एक हीट में दौड़ना होगा, उसे किसी दूसरे की हीट में दौड़ने की इजाज़त नहीं होगी। यानी जब कुरानदाजी के ज़रिए उनको गलियां फराहम कर दी जाएंगी तो खिलाड़ी सिर्फ़ अपनी ही गली में और अपनी हीट में दौड़ेगा, इसके अलावा उसे दूसरे की हीट में दौड़ने की इजाज़त नहीं होगी। हर खिलाड़ी अपनी अपनी गली में स्टार्टिंग लाइन के पीछे से दौड़ेगा, कोई एथलीट कोई खिलाड़ी स्टार्टिंग लाइन को या इससे आगे अपने जिस्म के किसी हिस्से को ज़मीन से टच नहीं कर सकता, अगर करेगा तो ये फाउल कहलाएगा। नंबर 11 पे है, अगर कोई एथलीट या खिलाड़ी 400 मीटर दौड़ के दौरान ट्रैक या अपनी गली से बाहर चला गया तो उसे दौड़ में दोबारा शामिल होने की इजाज़त नहीं होगी। यानी अगर कोई खिलाड़ी 400 मीटर दौड़ के दौरान ट्रैक से या अपनी गली से कहीं बाहर चला गया तो फिर उसे दोबारा मुकाबले में शामिल होने की इजाज़त नहीं होगी। नंबर 12 पे है जी, कोई एथलीट या खिलाड़ी दौड़ के दौरान किसी दूसरे की गली में नहीं जाएगा, ना किसी को धक्का देगा, ना पकड़ेगा, ना किसी किस्म की रुकावट का बायस बनेगा जिसकी वजह से इसकी कारकर्दगी मुतासिर हो। ऐसा करने पर इस एथलीट या खिलाड़ी को मुकाबले से खारिज कर दिया जाएगा। नंबर 13 पे है, 400 मीटर दौड़ में एथलीट या खिलाड़ी को खड़े होकर स्टार्ट लेने की इजाज़त नहीं होगी। वो दौड़ का आगाज़ क्राउच पोजीशन यानी बैठने के ख़ास अंदाज से करेगा और स्टार्टिंग ब्लॉक्स का इस्तेमाल भी लाजमी है। नंबर 15 पे है, दौड़ की इख्तितामी लाइन 5 सेंटीमीटर चौड़ी सफ़ेद लाइन से लगाई जाएगी। खिलाड़ियों की दौड़ ख़त्म होने की तरतीब इनके जिस्मों के इस हिस्से से, जिसे तकनीकी ज़बान में टॉर्सो कहते हैं, इख्तितामी लाइन की अमूदी हद पर पहुंचने से मुतय्यन की जाएगी। टॉर्सो धड़ का वो हिस्सा है जिसमें सर, गला, बाजू, टांगें और पांव शामिल ना हों। यानी क्या है कि जब खिलाड़ी दौड़ का इख्तिताम करेंगे तो जो इख्तितामी लाइन है वो 5 सेंटीमीटर सफ़ेद चौड़ी लाइन होगी और खिलाड़ी जो सबसे आगे होंगे यानी जो फर्स्ट पोजीशन या पोजीशंस ले रहे होंगे उनके टॉर्सो से किया जाएगा। यानी टॉर्सो धड़ का वो हिस्सा जिसमें यानी आगे ना उनका सर हो, ना गला, ना बाजू, ना टांगी और ना पाँव, यानी बाकी इनका धड़ शामिल हो। उस वो खिलाड़ी जिसमें जो अपना सर, गला, बाजू, टांगी और पाँव आगे ना करेगा वो फर्स्ट पोजीशन पे होगा, उसके बाद जैसे सेकंड, थर्ड। नंबर 16 पे या 16 पे जी, अगर मुकाबले में ट्रैक की गलियां एथलीट्स की तादाद से ज़्यादा हों तो अंदरूनी गली यानी पहली गली हमेशा खाली रहेगी, कोई भी एथलीट पहली गली में नहीं दौड़ सकता।